फिल्म की शुरुआत होती है चिले नाम के एक साउथ अमेरिकन देश में। ये एक सच्ची कहानी है उस समय की जब फौज ने देश पर कब्जा कर लिया था और उनके खिलाफ बोल रहे लोगों को वो आतंकवादी करार देकर जेलों में ठूस रहे थे। फौज का जनरल एंड्राडे एक बहुत ही क्रूर आदमी है जो इन कैदियों को ऐसा सबक सिखाना चाहता है कि वो उसके खिलाफ बोलने की जुर्रत ना कर सकें। इंस्पेक्टर ब्राउलियो सभी नए कैदियों को जेल के रूल्स के बारे में बताता है और क्योंकि वो सभी एंटी टेररिस्ट लॉ के तहत गिरफ्तार हुए हैं तो 24 घंटे उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी और अगर कोई भी आदमी किसी भी तरह का प्रोपोगेंडा फैलाता हुआ पकड़ा गया तो उसे उसी समय मार दिया जाएगा। 5 लोगों का एक गुट जिनका लीडर लियोन है वो भी वहां मौजूद थे। वो जेल में सिर्फ यहां से भाग निकलने के मकसद से आए हैं। सभी कैदियों को अपने कमरे चुनने को कहा गया। लियोन जल्दी से सेकंड फ्लोर पर कमरा नंबर 50 लेने के लिए गया। उनके प्लान के हिसाब से ये बहुत जरूरी था क्योंकि वो सीधा नीचे वाले कमरे से जुड़ता है जहां से उनकी सुरंग की शुरुआत होगी। लेकिन वहां पहुंचने पर उसने देखा कि 50 नंबर कमरा तो पहले ही किसी ने ले लिया था, तो उसने जल्दी से नंबर 51 में अपना डेरा डाल लिया। नंबर 51 से उनका नीचे वाला कमरा बिल्कुल सीधा तो नहीं था, पर फिर भी उनका काम हो जाएगा। सभी कैदी अपनी नई जिंदगी को अपनाने लगे। एक घंटे के ब्रेक के दौरान लियोन, रफाइल और जर्मैन अपने प्लान को डिस्कस करते हैं। लियोन एक आर्किटेक्ट है और ग्रुप में सबसे समझदार भी। वो जानता था कि दीवार से कुछ मीटर दूर मपोचो नदी बहती है। उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से उन्हें लगभग 70 मीटर लंबी सुरंग बनानी होगी और इतनी लंबी सुरंग को बनाने के लिए उन्हें लगभग 60 टन मिट्टी खोद कर निकालनी पड़ेगी। पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो 60 टन मिट्टी रखेंगे कहाँ। इस सब के दौरान पाउलो नाम का एक कैदी रफाइल के पास आया और उससे कहा कि जो भी वो लोग कर रहे हैं वो भी इस सब का हिस्सा बनना चाहता है। उन तीनों ने उस पर भरोसा करके उसे भी अपने साथ जोड़ लिया। अगले दिन वो ग्राउंड फ्लोर वाले कमरे में थे जहां से सुरंग की शुरुआत होनी थी। उन्हें दीवार में एक बड़ा छेद बनाना होगा और निकले हुए मलबे से उस छेद को ढकने के लिए एक ब्लॉक भी तैयार करना पड़ेगा। अब बस लियोन को मिट्टी छिपाने के लिए जगह ढूंढनी होगी, जिसके लिए एक गिटार बजाने वाले कैदी ने उसे पेचकस दिया। इस मदद के लिए उन्होंने उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। अगले कुछ दिनों तक लियोन 51 नंबर कमरे की छत में पेचकस के इस्तेमाल से एक छेद करने की कोशिश में लगा रहा। उन्होंने खटपट को कम से कम रखने की कोशिश की। उनका नया साथी बाहर गिटार बजाते हुए गाने भी गा रहा था ताकि अंदर की आवाज दब जाए। आखिर में 2 बड़े सीमेंट के टुकड़े धम से नीचे गिरे और हर तरफ मलबा फैल गया। लियोन ने जल्दी से सबको अंडे और लाइम लाने को कहा, जिसकी मदद से वो एक घोल तैयार करेंगे जो सीमेंट के ब्लॉक की तरह दिखेगा। सभी अपने अपने काम पर लग गए, लेकिन तभी गिटार बजा रहा कैदी एक दूसरा गाना गुनगुनाने लगा, जिसका सीधा मतलब ये था कि गार्ड सभी कमरों की तलाशी ले रहे हैं। लियोन ने उस छेद से ऊपर देखा तो वो खुश हो गया, क्योंकि वहां इतनी जगह थी कि 60 टन मिट्टी तो क्या 100 टन भी आराम से आ जाएगी। उसने समय रहते वो ब्लॉक बनाया और उसे एक पोस्टर से ढक दिया। जब गार्ड्स ने कमरे को चेक किया तो उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्हें जेल आए हुए 34 दिन बीत चुके थे। आज विजिटर्स डे है तो सभी कैदी अपने परिवार वालों से मिलेंगे। रफाइल ने अपनी पत्नी के साथ कुछ समय बिताया, लेकिन जल्द ही उनकी इस बात पर लड़ाई हो गई कि वो बच्चों को लेकर क्यों नहीं आई। बाद में उन सब ने मिलकर एक अच्छा ब्लॉग बनाया जिसे अगर गार्ड्स देख भी लें तो उन्हें शक ना हो। इसके बाद वो छेनी हथौड़ी से दीवार में छेद करने लगे। यहीं से उनकी सुरंग की शुरुआत होगी। हर तरफ टूटी हुई दीवार का मलबा फैला हुआ था। उनके एक साथी ने बताया कि चेकिंग करने वाले जल्द ही कमरे तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने जल्दी से मोटी मोटी सफाई की और काम करने का नाटक करने लगे। उनकी किस्मत अच्छी थी कि गार्ड ने ज्यादा कुछ चेक नहीं किया। उन्होंने तेज आवाज पर रेडियो चलाया और दोबारा काम पर लग गए। जब दीवार का वो छेद बड़ा हो गया तो उन्होंने अपना बनाया वो ब्लॉक वहां सेट कर दिया। बचे हुए मलबे को एक बैग में डालकर वो 51 नंबर कमरे में ले गए और उन्होंने जो छत में छेद किया था वहां से लॉफ्ट एरिया में रख दिया। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। गिटारिस्ट हमेशा बाहर खड़ा लोगों पर नजर रखता और बाकी चारों बारी बारी से सुरंग की खुदाई करते। खोद कर निकाली मिट्टी को वो रोज रोज अलग अलग बैग्स में भरकर ऊपर वाले कमरे में ले जाते और वहां से लॉफ्ट एरिया में फेंक देते। काम होने पर वो दोनों सीमेंट ब्लॉक से उन होल्स को इस तरह बंद कर देते मानो कभी कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने बाकी सबके साथ मेल जोल भी बनाए रखा ताकि उन पर किसी को शक ना हो। लेकिन ऑस्कर नाम के एक कैदी को ये चीज बहुत अटपटी लगी कि ये सब रोज एक ही रूटीन फॉलो करते हैं। 70 दिन बाद लियोन ने उनकी खोदी हुई सुरंग की लंबाई को नापा और वो उसे देखकर हताश हो गया। उसने बताया कि अगर वो इसी स्पीड पर लगे रहे तो 2 साल लगेंगे इसे बनाने में। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास आदमियों की कमी है। अगले दिन जब जर्मैन ऊपर वाले कमरे में मिट्टी ले जा रहा था तो एक गार्ड ने उसे रोका और कहा कि बैग में क्या है, दिखा चल।
उसने झिझकते हुए बैग को खोला, लेकिन मिट्टी बैग के निचले कंपार्टमेंट में थी और ऊपर उसी का कुछ सामान पड़ा था। गार्ड ने उसे अपने साथ ऑफिस में आने को कहा। जर्मैन ने बड़ी चालाकी से जाने से पहले उस बैग को लियोन के पास छोड़ दिया। वहां पहुंचने पर गार्ड ने उसे कुछ अडल्ट मैगजीन्स खरीदने का ऑफर दिया। ये सुनकर उसकी जान में जान आई। अगले दिन सुरंग की खुदाई करते हुए उन्होंने रेडियो पर सुना कि चिले के लोगों ने तानाशाही को पूरी तरह से हटा दिया है और अब वहां भी डेमोक्रेसी स्थापित की जाएगी। कैदियों को ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो डेमोक्रेसी में नहीं मानते थे। वो सब और मेहनत और तेजी से काम करने लगे ताकि जल्दी से जेल से निकलकर अपने लीडर का समर्थन कर सकें। 86वें दिन लियोन ने सभी कैदियों को इकट्ठा किया जो फांसी का इंतजार कर रहे थे। उसने उन्हें अपनी बनाई हुई सुरंग दिखाई और पूरा प्लान डिटेल में समझाया। वो सब फट से उनकी मदद करने को तैयार हो गए। आवाज की वजह से रात को काम करना मुमकिन नहीं था, तो दिन में हर आदमी दो दो घंटे की शिफ्टें लगाने लगा। वो हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते, जैसे अपने शरीर और कपड़ों से मिट्टी को साफ करना ताकि किसी को शक ना हो। उनमें से कुछ लोग हमेशा बाहर रहकर गार्ड्स की गतिविधियों पर नजर रखते और बाकी कैदियों के साथ समय बिताते। उन्होंने ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के बीच भी एक छोटी सुरंग बना ली थी ताकि मिट्टी को सीढ़ियों से ना ले जाना पड़े, क्योंकि वो बहुत जोखिम भरा काम था। समय के साथ सुरंग का काम तेजी से आगे बढ़ने लगा और ऐसा लग रहा था मानो अब ये जल्दी ही पूरा हो जाएगा। एक दिन फुटबॉल खेलते समय ऑस्कर ने रफायल से कहा कि वो जानता है कि उनकी टोली किस काम में लगी है और वो भी उनके साथ जुड़ना चाहता है। उसके बारे में अफवाह थी कि वो अपने ही लोगों के साथ गद्दारी करके जेल में आया है, लेकिन लियोन ने उस पर भरोसा कर उसे भी टीम का सदस्य बना लिया। अगले दिन जर्मैन ने रफायल से कहा कि अगर उन्हें बाहर से मदद नहीं मिली तो वो कभी भाग नहीं पाएंगे, फिर चाहे वो कितनी भी अच्छी सुरंग क्यों ना बना ले। उनके कुछ साथी अभी भी बाहर हैं, अगर वो किसी तरह उन तक एक मैसेज पहुंचा दें तो वो उनकी मदद जरूर करेंगे। 182वें दिन रफायल की पत्नी उससे मिलने आई। उसने उसे अपने प्लान के बारे में बताया और कहा कि वो किसी तरह उनके साथियों को इस बारे में आगाह कर दे। इसके बाद 205वें दिन काम हमेशा की तरह जोरों पर था। गिटारिस्ट खुदाई में लगा था जबकि बाकी सब बाहर थे। अचानक जेल के सारे गार्ड्स चेकिंग करने निकल पड़े। लियोन ने जल्दी से सबको इस बारे में बताया, लेकिन पूरी तरह से सब कुछ छिपाने में उन्हें 10 मिनट से ज्यादा समय लगेगा। कुछ कैदियों ने अंदर रहकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश की जबकि बाकियों ने बाहर पुलिस को रोका। रफायल ने एक गार्ड को धक्का दे दिया जिस वजह से दोनों खेमों के बीच लड़ाई छिड़ गई। इससे गिटारिस्ट को सुरंग से बाहर निकलकर उसे छिपाने का समय मिल गया। गार्ड्स के साथ झड़प के बाद कमांडर एंड्राडे ने उन्हें बिना कपड़ों के धूप में बैठा दिया। ये कैसी पनिशमेंट है। दूसरी तरफ रफायल की बीवी पार्टी हेडक्वार्टर्स में गई, लेकिन उन्होंने लियोन और उसके साथियों की मदद करने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि उनके ऊपर वैसे ही बहुत सारी मुसीबतें आई पड़ी। लेकिन उसने हार नहीं मानी और एक चर्च में लियोन के पिता, जर्मैन की बीवी और रफायल के एक खास दोस्त से मिली। वो सब मिलकर बाहर से उनकी हर मुमकिन मदद करने को तैयार हो गए। उन्हें जेल में आए 392 दिन हो चुके थे। एक कैदी सुरंग खोदते हुए बेहोश हो गया। खुशकिस्मती से उसके दोस्त ने उसे समय पर बाहर निकाल लिया। सुरंग अब बहुत गहरी हो चुकी थी जिस वजह से अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम थी। इस परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने कारपेंटर को अपने साथ जोड़ने का फैसला लिया। उसने एक पुराने पंखे और पाइप के साथ ऐसा जुगाड़ किया कि सुरंग के हर कोने तक ताजा हवा पहुंच सके। हमने देखा कि कमांडर एंड्राडे बिगोटे नाम के एक कैदी से मिला और उसे एक सिगरेट का पैकेट देकर बाकी सब पर जासूसी करने को कहा। अगले दिन रफायल ने देखा कि सुरंग जेल की दीवारों के पार जा चुकी है। उसने जमीन में छेद किया और एक गुलाबी रंग का लिक्विड बाहर फेंका जिससे उसके दोस्त को वो जगह पता चल जाए। अगले विजिटर्स डे पर लियोन के पिता उससे मिलने आए और बताया कि वो अभी भी प्लान की हुई जगह से 40 मीटर दूर हैं। 558वें दिन शहर में एक भूकंप आया। लियोन तेजी से अंदर की ओर भागा ताकि सुरंग में काम कर रहे कैदी को बाहर निकाल सके, लेकिन खुशकिस्मती से किसी को चोट नहीं आई और सुरंग भी एकदम ठीक थी। लगभग 1.5 साल जेल में रहने पर लियोन की एक हैंडीकैप कैदी से दोस्ती हो गई थी। उसने उसे सुरंग के बारे में बताया और कहा कि तू भी निकल ले भाई हमारे साथ, लेकिन वो पहले ही अपनी जिंदगी जीने की ख्वाहिश छोड़ चुका था तो उसने मना कर दिया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब वो सब वहां से बाहर जाएंगे। सभी कैदी संडे को दिखाई जाने वाली फिल्म देख रहे थे। बड़ी ही शांति से एक के बाद एक प्लान में शामिल सभी कैदी वहां से निकलने लगे। किसी को ज्यादा शक भी नहीं हुआ क्योंकि फिल्म वैसे ही बकवास थी। उधर कमरे में लियोन ये चेक कर रहा था कि सारे कैदी सुरंग में आ गए या नहीं। उस सुरंग में उस समय 49 कैदी मौजूद थे। इस दौरान बिगोटे का ध्यान गया कि मूवी रूम से बहुत सारे कैदी गायब थे। वो उन्हें ढूंढने के लिए निकला। लियोन के उस हैंडीकैप दोस्त ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। जब बिगोटे सुरंग वाले कमरे में पहुंचा तो वहां उसे ऑस्कर मिला।
वो पुलिस को इस बारे में बताना चाहता था, लेकिन ऑस्कर ने उसे ऐसा करने से रोका। उनकी लड़ाई के दौरान बिगोटे ने उसके कंधे में पेचकस तक घोंप दिया, लेकिन इसके बावजूद ऑस्कर ने बिगोटे को बेहोश कर दिया। पर उसके कंधे पर लगी चोट की वजह से अब वो रेंग कर सुरंग को पार नहीं कर सकेगा। रफाइल के दोस्त ने सुरंग का दूसरा छोर खोल दिया और बाकी के 49 लोग एक के बाद एक बाहर निकलने लगे। रफाइल की बीवी ने पहले ही उनके लिए कपड़ों का बंदोबस्त किया हुआ था। कपड़े बदल कर वो सब एक बस में चढ़ गए जो उन्हें वहां से ले जाने के लिए ही आई थी। लेकिन जर्मैन ने देखा कि ऑस्कर सुरंग से बाहर नहीं आया। वो बस को रुकवा कर उसे देखने गया। उधर जेल में सभी कैदियों को सुरंग के बारे में पता चल गया और वो तेजी से उसमें घुसने लगे। इस हबड़ा दबड़ी को देखकर गार्ड्स भी वहां आ गए। जेल में जोर जोर से सायरन बजने लगे। इसे सुनकर बस में बैठे कैदियों ने वहां से निकलने का फैसला लिया। जर्मैन भाग कर चलती हुई बस में चढ़ गया। उसने बताया कि ऑस्कर कभी सुरंग से निकला ही नहीं। इस दौरान हमने देखा कि कुछ दूसरे कैदी भी सुरंग से बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन ज्यादातर को पुलिस ने पकड़ लिया। बस में उन सभी को एक फेक आईडी और कुछ पैसे दिए गए। उन्हें तीन तीन करके अलग अलग जगह पर उतार दिया गया। आखिरकार लियोन ने रफाइल को अलविदा कहा और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।